सोनावत के बलवाड़ा थाना अंतर्गत ग्राम मुख्तियारा क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब दो परिवारों के बीच खेती जमीन को लेकर आपस में विवाद हुआ। पीक में चार व्यक्तियों को गंभीर चोट आई है जिन्हें इंदौर रेफर किया गया है, तो वहीं एक महिला सहित दो पुरुष घायल हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भड़वा भेजा गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। बताइए, जो खूनी संघर्ष हुआ खेत में, क्या है पूरा मामला? सर, हमारी जमीन पे हम हमारा काम कर रहे थे, वहाँ पे कल्लू, ऋषि, निक्की, संजय, बबलू माले ये लोग आए। इनके हाथ में तलवार और कुल्हाड़ी थी। इन्होंने बिना कुछ बात किए हुए कुल्हाड़ी और तलवार से हम पे वार किए, हम पे जानलेवा हमला किया। उसके बाद सर गाँव वालों के बीच बचाव के लिए आ रहे, वहाँ पे उन्होंने बचाया हमारे। उसकी औरत भी थी, उसने मिर्ची फेंकी हमारी आंखों पे। वो केशव पिता मेघराज जी की जमीन है, बिजली वाले इंदौर रहते थे, उसकी देख रेख हम 4-5 सालों से हम ही कर रहे हैं। इनकी जो जमीन खरीदी थी इनने इंदौर वालों से, किससे जो भी खरीदी, अरुण शर्मा के लिए, इंदौर वालों अरुण शर्मा जिससे भी खरीदी ना, तो ये पटवारी जी को लाए ना, तहसीलदार जी थे। हमने इनसे यही बोला कि तुम्हारी जमीन जिधर निकल रही तुम उधर चलना, ये जमीन नहीं है यहाँ, तो ये हमको मारने लगे। अब बस मैं और मेरा भाई खेत में काम कर रहे थे, नहीं हम भी यार, ये हमको मारने लगे। वो जमीन हमने बोला कि आप पहले जो कोर्ट में चल रहा है उस फैसले आने दो, इसके बाद आप कब्जा करना, आपकी जमीन जिधर निकलेगी हम देंगे। तो ये सभी जन थे, हम तीनों जन थे, मैं, मेरी माँ और मेरा छोटा भाई खेत में काम कर रहे थे, तो इन्होंने हम पे हमला। कौन कौन था? चंदन सिंह, प्रताप के दोनों लड़के, चंदन सिंह के दोनों लड़के, महेश का एक लड़का, राजेश इन्हीं का भाई का लड़का। आज मुख्याला में एक भूमि है गांव में जहां कल्लू पाठक अपनी भूमि बता के उस पर आज देखने जाने की बात पर से इन दोनों पक्षों के विवाद हो गया, और विवाद में कल्लू पाठक के लड़के दोनों, उसकी महिला, इनके द्वारा विपक्ष में चंदन दागी और उसके परिवार तथा हुकुम ठाकरे की परिवारों के साथ मारपीट की। बदले में इन लोगों ने भी उनसे मारपीट की। दोनों पक्षों में इंजोर्ड है, एक में 4 है, एक में 3 है, और उनमें से 4 लोगों को इंदौर के लिए इलाज के लिए रेफर किया गया है, और दोनों पक्षों से FIR प्राप्त की गई और विधिवत विचना की जा रही है।